ऐसा लगता है मुझे कमी है। बोले व्यास जी नाराज मत होना, बतलाऊं? बोले हाँ। एक अंधा व्यक्ति खाई में गिर रहा था, आपने खाई से निकाल दिया, कुएं में डाल दिया, कभी निकले ही नहीं। ये कर्म कांड तो कुआ ही कुआ है, इसकी पूजा करो ये मिलेगा, इसकी पूजा करो ये मिलेगा, इसकी पूजा करो मिलेगा। अरे किसकी पूजा करें कि परम आनंद की, ब्रह्मानंद की, आत्मानंद की प्राप्ति, ये बताया हमने। एक इसकी पूजा करो, बेटा मिल जाएगा इसकी पूजा, करो पोता मिल इसकी पूजा, करो दुकान खूब चलेगी। क्या नास्तिक भूखा मरता है? वो नास्तिक की पूजा करते नहीं, वो करोड़पति कैसे बन गया फिर? क्या नास्तिक के पोते नहीं है? शुद्ध दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। तो नास्तिक को मिलते हैं, इसके लिए क्या पूजा कर रहे हो आप लोग, क्या दरबार कर रहे हो? ये तो बिना मांगे, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिलने भीख। क्या क्या मांगते हो? मांगो, मांगना तो है, क्या मांगो? सत्संग सेवा सुन मांगो। क्या मांगो? प्रभु दया करो। दया तो कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, पर दया को कभी उल्टा किया आपने? क्या होता उल्टा? अरे याद करो परमात्मा को, दया का भंडार है, पर याद करने टाइम कहाँ है? कभी अखबार के पन्ने पढ़ते हो, कभी मैगजीन के, कभी ये फोन के ऐसे ऐसे करते रहते हो, कभी टीवी कान मुड़ोते, कभी छल कपट बेईमानी, कभी चूली निंदा, कभी याद किया? याद करो, परमात्मा से मांगो। क्या मांगो? दया करे दान भक्ति का हमें पर मातमा देना, दया करे दान भक्ति का हमें पर मातमा देना, दया करे ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करे देना, हमारे ज्ञान में आओ प्रभु जी, आँखों में बच जाओ, हमारे ध्यान में आओ प्रभु जी, आँखों में बस जाओ, प्रभु जी आँखों में बच जाओ, प्रभु जी आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के प्रभु जी रे नाच का देना, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, दया कर ज्ञान भक्ति का हमें पर मातमा देना, दया कर ज्ञान भक्ति का हमें पर आत्मा देना, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ही मान हो सेवा, वेवक कर बना देना, सदा ही मान हो सेवा, व सेवक कर बना देना, कहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा प्रेम का सागर, दिलों में प्रेम का सागर, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आ कच्छ में मिल जुल कर प्रभु जी रे नाच का देना, हमें आपस में मिल जुल कर प्रभु जी रे नाच का देना, दया कर दान भक्ति
देना, धर्म के वास्ते जीना, धर्म के वास्ते मरना, धर्म के वास्ते जीना, धर्म के वास्ते मरना, धर्म के वास्ते मरना, धर्म के वास्ते मरना, धर्म पर जा फिदा करना, प्रभु जी हम को सिखा देना, धर्म पर जा फिदा करना, प्रभु जी हम को सिखा देना, दया कर ज्ञान भक्ति का हमें पर मात मा देना, दया कर ज्ञान भक्ति का हमें पर मात मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, ये मांगो परमात्मा से, क्या संसार के टुकड़े मांग रहे हो, वो तो बिना मांगे मिल जाएंगे। हाथी कभी मांगता है क्या? कितना खाता है? एक मन खाता है। वो परमात्मा कीड़ी को कण देता हाथी को, कोई मंदिर पूजा नहीं करते, कोई हाथी पूजा नहीं करता, हम तो क्या कर रहे हैं, मेरे परिवार का पालन अच्छी तरह कर देना। अच्छी तरह क्या मतलब? अरे वो सब प्रबंध करके भेजा है, सब कुछ प्रबंध करके भेजा है, परमात्मा ही दरबार में कोई चीज की कमी नहीं है। वे हम तो क्या हर में कमी, परमात्मा ही कमी निकालने लग जाती है, क्या ऐसा परमात्मा है, मैं इतनी पूजा करता हूँ पाठ करता हूँ फिर भी देखो शंकर मेरे पर ही आ रही है, करते ना, चलो राम की पूजा छोड़ें हम, किसी दूसरी पूछ में लग गई। अरे क्या भटक रहे हो, भटकते भटकते लख चौरासी बीत गई, अब तो एक में लग जाओ, एक ही सादे सब सदे, सब साधे सब जाए, पानी सींचो मूल में, फले फूले हरियाए, सीधा उसमें चले। व्यास जी महाराज, अब आप एक शास्त्र और बनाओ, कर्मकांड से अलग, कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण, कृष्ण चरित्र से, और चतुश्लोकी भागवत सुनाई, बैठ गई बोलते गई, और ये कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण ये शास्त्र बना, इसका नाम हुआ भागवत। भगना प्राण की, भगना प्राण की। श्री कृष्ण जो अंतर्ध्यान होने लगे तो उधो रोने लग गया, भगवान अब क्या होगा, अभी तो जब याद आते आपके पास थोड़ी आते थे, अब बोले उधो मत उदास हो, मैं बैठ रहा हूं भागवत, मैं भागवत में बैठ रहा हूँ, किसी भगत को ज़्यादा ही प्यास मेरे दर्शनों की, भागवत को पढ़ना, भागवत को सुनना, भागवत की परिक्रमा करना, भागवत को प्रणाम करना, मेरे दर्शन हो जाएंगे। भगना प्राण की जय, उद्धव भागवत मेरा वांग्मय स्वरूप है, वांग्मय में जो बोलता है, जो आपकी हर प्रश्न का जवाब देता है, जो आपकी हर शंका का समाधान करता है, आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई पूछना हो आप बताओ मत, आप कागज में लिख लो, आपको 7 दिन में उसका सब जवाब मिल जाएगा, बिना पूछे बिना बताए आपको जवाब मिलेगा, चाहे घर की समस्या हो, चाहे व्यापार की हो, चाहे परमात्मा से मिलने की समस्या हो, आप लिख करके रख लो, बताओ मत, आप सुनो आराम से, ध्यान एक एक शब्द सुनो, आपके हर प्रश्न का जवाब तारतम्य वाणी में भागवत प्रवचन में निश्चित मिल जाएगा। 101%, चाहे आप व्यापार से परेशान हो, चाहे बेटे से परेशान हो, चाहे बेटी से, चाहे किसी से, आपकी समस्या समाधान का मिल जाएगा, संत गुरुजनों के प्रवचन निश्चित मिल जाएगा। तभी महिमा अमित अपार है, देवऋषि नारद पहुंचे वृंदावन में, वहां क्या देखा, एक देवी उदास है, उसकी गोद में 2 मुरझाए हुए पड़े हुए, देवी तू कौन है, तू उदास की दोनों कौन है वृद्ध, भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मैं भक्ति हूँ, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वराग, मूर्छित पड़े हैं,
कोई उपाय करो महाराज, कोई उपाय करो। चार वेद, छह शस्त्र, सब कुछ ना है पर नहीं मूर्छा ही है। तब ले आए सनकादिकों को और भक्ति ज्ञान बराग को हरिद्वार गंगा जी के तट पर कनखल नाम के पवित्र स्थान पर भागवत कथा सुनाई और वह ज्ञान बराग भक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता उमंग आ गई और वे नाचने लगे और गाने लगे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री श्याम बोलो जय राधे। जय श्री श्याम बोलो जय राधे। जय राधे बोलो जय राधे। बोलो श्याम राधे। बोलो श्याम राधे। बोलो जय राधे। बोलो जय राधे। बोलो श्याम राधे। बोलो श्याम राधे। बोलो जय राधे। बोलो जय राधे। बोलो श्याम राधे। बोलो श्याम राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री श्याम बोलो जय राधे। जय श्री श्याम बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री श्याम बोलो जय राधे। जय श्री श्याम बोलो जय राधे। जय राधे बोलो जय राधे। बोलो श्याम राधे। बोलो श्याम राधे। भक्ति ज्ञान बड़ा को शक्ति मिली। इतना ही नहीं, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंग वराणि किनारे आत्मदेव जिसने अपनी आत्मा को देव मानी परमात्मा लगा लिया उसको कहते आत्मदेव। हम तो देव हैं, 24 घंटे इसको खाना पिलाना नहलाना मेकअप टेकअप करना इसी में लगे रहते हैं। दिन में 10 बार शीशा देखना, 5 बार ड्रेस बदलना इसी में रहे। अरे ये तन तो खत्म होगा, चाहे कितना भी सुंदर है आखिर में क्या बनेगा। आखिर ये इतना काक बनेगा क्या फिरता मगरूरी में कैसे, क्या ये शरीर जले जो लकड़ी जलती केस जले जो घासा और कहे कब्र सुनो भाई साधो कोई न आया पासा। यही संसार है, इसको क्या सजाते हो। भक्ति ज्ञान बैराग से सजाओ इसको, सेवा से सजाओ इसको। तब आत्मदेव ये मानव तन को पाने के लिए देवता तरस रहे हैं, देवता देवता भी तरसते हैं जिसको ये मिला मानव तन तुमको, इसको देवता चाहते हैं मिल जाए। देवता क्या कहते हैं, गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यस्तु ये भारत ही भागे स्वर्गाप हेतु भूता। ये मानव तन को पाए देवता कहते हे परमात्मा हमें मानव का धन दो। गायन्ति माने गान करते हैं, देवन देते थी को देवता हमें मानव का तन दो, हमें मानव का तन दो, हमें दो। और हमको मानव तन मिल गया तो अब देवताओं की पूजा करके क्या मांग रहे हो। देवताओं ने मांगा मानव तन, ये हम नहीं बोल रहे, सुन हम नहीं बोल रहे, ये लाखों साल पहले बोले हैं। देवताओं ने चाहा मानव का तन, मानव तन का मिल गया हमको। अब देवताओं की पूजा करके क्या मांग रहे हो, अभी मत रात को सोचना, रात को सोचना। देवताओं ने क्या मानव तन मिल गया, अब देवताओं की पूजा करके क्या मांग रहे हो विचार करना। क्यों क्यों मांग रहे हैं, स्वर्ग से ऊपर अपरग मुक्ति का धाम परम धाम है। ये 14 लोग स्वर्ग कहलाते हैं, ये मुक्ति नहीं है परम धाम है, वहाँ के लिए चाह रहे हैं। गायन्ति मन गान इसलिए कर रहे हैं वो
तब उनके लिए है, उनके लिए मोक्ष के लिए। इसी संस्कृत को श्लोक को तुलसी जी ने हिंदी में कविताचन किया है। बड़े भाग्य मानव तन पावा सुर दुर्लभ छद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानव तन पावा सुर दुर्लभ छद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ छद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ छद ग्रंथन गावा। भाग्य मानव का तन मिला सुरमणि देवता, देवता मिला कठिन। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष का द्वारा पायत नर पर लोक सुधारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायत नर पर लोक समारा। आदरणीय भक्ति है, कृष्ण भक्ति साधन है। अधरों पर हो श्री कृष्ण का नाम, तन मन में उमड़े भक्ति उमंग। कन्हैया प्यारे की प्रीत में बरसे श्रीमद् भागवत कथा के रसरंग। श्रवण कीजिए परम पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा 1 मई 2018 से प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर सिर्फ जय पारस चैनल पर।